वेलकम टू द बिजनेस स्टडीज क्लास टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अमेरिकन डिपॉजिटि रिसिप्ट अमेरिकन डिपॉजट रिसिप्ट क्या है इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम कि अगर इंडिया की किसी कंपनी को अगर अमेरिकन से क्या चाहिए फ़ाइनेंस चाहिए अमेरिका से क्या करना है फाइनेंस अमेरिकन से क्या करना है फाइनेंस रेज करना है तो वो कैसे करेगी क्योंकि जो इंडियन कंपनीज हैं उसके जो शेयर्स हैं वो रुपीस डिनोमिनेशन में हैं क्योंकि इंडिया की करेंसी क्या है रुपीस है तो अमेरिकन के लिए बड़ा इनकनवीनियंट होगा रुपीस में क्या करना इन्वेस्टमेंट करना तो दैट्स वाई ये जो शेयर्स होते हैं इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं ए डी आर में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में जो कि यू एस डॉलर डिनोमिनेशन में होते हैं और जिसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे जैसे हमने ग्लोबल डिपोजिटी रिसिप्ट में हेल्प ली थी एक तो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक की हेल्प ली थी हमने और किसकी हेल्प ली थी हमने डिपॉजिट बैंक की हेल्प ली थी तो उनकी हेल्प से द शेयर्स विल बी कन्वर्टेड इन टू अमेरिकन डिपॉजिटी रिसिप्ट एंड इट विल बी सोल्ड टू अमेरिकन और इस तरह से जो इंडियन कंपनी फॉरन कैपिटल ऑप्टेन हो जाएगी अमेरिकन से ठीक है ये एग्जाम्पल समझ में आए आपको अब देखते हैं ए डी आर क्या होती है एडीआर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट है नेगोशियेबल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट में जिसको हम कितनी कितनी बार भी ट्रांसफर कर सकते हैं वन पर्स टू सेकेंड पर्सन सेकेंड पर्सन टू थर्ड पर्सन कितनी बार भी आगे ट्रांसफर कर सकते हैं जो एक नॉन यूएस कंपनी इशू करती है वो नॉन यूएस कंपनी कोई भी हो सकती है जैसे मैंने इंडिया का एग्जाम्पल दिया आपको जो एक नॉन यूएस कंपनी इशू करती है किसको अमेरिकन को इशू करती है सो दैट दे कैन ऑप्टेन फॉरन कैपिटल ताकि उन्हें फॉरन से क्या मिल सके फाइनेंस मिल सके कैपिटल मिल सके तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं और इसे सिर्फ अमेरिकन को ही इशू किया जा सकता है और किसी कंट्री के को पीपल को इशू नहीं किया जा सकता दैट्स वाई इट्स नेम इज़ अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट स्पेशली इट इज़ इशूड टू अमेरिकन ओनली और क्योंकि ये अमेरिका को अमेरिकन को इशू किया जाता है तो इसलिए ये अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिड होनी भी कंपल्सरी है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही क्या होगा इनकी बाइंग एंड सेलिंग होगी तो इट इज कंपल्सरी टू गेट इट लिस्टेड ऑन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज अब जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है ठीक है नेस्टेक है नेस्टेक मीन्स नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस दिस इज द फुलस्टेक ये क्या है हमारे अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है तो किसी भी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर क्या किया जा सकता है लिस्टेड करवाया जा सकता है नाउ लेट अस सी फीचर्स ऑफ एडीआर क्या है एडीआर की एडीआर कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज एडीआर को हम किसी भी अमेरिकन स्टॉक पे क्या कर सकते हैं लिस्टेड करवा सकते हैं ऐसा कंपल्सरी क्यों है बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से ही ये इन्वेस्टर्स क्या करेंगे यहाँ से बाय या सेल कर सकते हैं इसको यहाँ से परचेज कर सकते हैं और उन्होंने जो परचेज किए हुए हैं उन्हें यहाँ पर सेल कर सकते हैं एज एव ऑलरेडी टोल्ड यू स्टॉक एक्सचेंज क्या है एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है एक, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर क्या की जाती है सिक्योरिटीज बोट एंड सोल्ड की जाती है बाई एंड सेल की जाती है नेक्स्ट फीचर इज अ सिंगल ई डी आर कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन शेयर जो एक सिंगल एडीआर है वो कैन बी इक्वल टू मोर देन वन शेयर वो एक शेयर से ज़्यादा के इक्वल भी हो सकता है इट इज़ नॉट कम्पल्सरी कि वन एडीआर इज इक्वल टू वन शेयर इट कैन बी इक्वल टू मोर देन वन शेयर मीन्स इक्वल टू टू शेयर्स फोर शेयर्स ओके द होल्डर ऑफ द एडीआर कैन गेट दैम कन्वर्टेड इन टू शेयर्स और जो एडीआर होल्डर है वो क्या कर सकता है उनको शेयर्स में भी अगेन कन्वर्ट करवा सकता है द होल्डर ऑफ द एडीआर हैज नो राइट टू वोट इन द कंपनी बट इशुंग कोई वोटिंग राइट उन्हें नहीं देती एडीआर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं देती उनको अपनी कंपनी द डिविडेंट ऑन दैम इज सिमिलर टू द डिडेंट ऑन शेयर्स बट डिविडेंट जैसे शेयर्स पर डिविडेंट दिया जाता है वैसे सिमिलरली ऑन एडीआर इज गिवेन एडीआर आर इन यूएस डॉलर डिनोमिनेशन और ये किसके डिनोमिनेशन में होते हैं यूएस डॉलर में होते हैं ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इशू प्रोसीजर ऑफ एडीआर इशू कैसे करते हैं हम क्या प्रोसीजर है एडीआर को इशू करने का लेट अस सी जैसे हमने ग्लोबल डिपोजिट रिसिप्ट को इशू करने का प्रोसेस किया था ऑलमोस्ट वैसा ही है ठीक okay? है जरा सा ही डिफरेंस है वो हम डिफरेंस देखते हैं क्या है फर्स्ट है बेटा कि कंपनी सबसे पहले क्या करेगी जो शेयर्स है उसको किसको ट्रांसफ़र कर देगी किसको हैंड ओवर करेगी डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को ट्रांसफ़र कर देगी डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक क्या होता है आई टोल्ड यू वैन वी डिस्कस जी डी आर कि डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो अपने कस्टमर की फॉर्म की सिक्योरिटीज़ को क्या करती है सेफली होल्ड करती है ताकि वो प्रिवेंट कर सके बींग स्टोलन और लॉस्ट ओके अब कंपनी हैज इश्यू टू द डीसीबी अब डीसीबी क्या करेगा डीसीबी विल रिक्वेस्ट टू अमेरिकन डिपोजिटी बैंक अब देखो एक डिफरेंस तो ये है यहाँ पर अब डीसीबी किसको रिक्वेस्ट करेगा अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक को करेगा क्योंकि अमेरिका में हमने इशू करना है इनको ग्लोबल डिपोजिटी रिसिप्ट में हमने किसको रिक्वेस्ट की थी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को की थी क्योंकि जीडीआर किसी भी कंट्री को इशू किया जा सकता है बट अमेरिका जो ये ए है ये अमेरिकन को ही इशू किया जाता है तो इसलिए अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक को रिक्वेस्ट करेगा डी सी बी कि उसको किस में कन्वर्ट कर दे ए डी आर में शेयर्स को अब ए डी बी क्या करेगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट विल कन्वर्ट द शेयर्स इनटू ए डी आर An ADR in the US dollar. And for the, uh, after that, in the end, EDB will issue to the intending investors. Or ADB kis ko issue kardega investors ko American investors ko. इस so like this, ADRs are issued to the Americans. With the help of this diagram, also we can understand the procedure of issuing ADR. एज अ टोल डू इशुंग कंपनी ये इशूइंग कंपनी कोई भी नॉन यूएस कंपनी हो सकती है जैसे मैंने इंडिया का एग्जाम्पल दिया आपको तो वो किसी भी नॉन यू कंपनी कोई भी नॉन यू कंपनी हो सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने शेयर किसको ट्रांसफ़र कर देगी डी को डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक को क्या करे करेगा रिक्वेस्ट करेगा सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू अमेरिकन डिपोजिटरी एंड अमेरिकन बैंक विल कन्वर्ट इन टू ए डी आर that is in us dollar denomination and at the end ADB will issue it to the american investors so, like this a non-us company can get the foreign capital from the americans okay now let us see what are the advantages of adr adr k ki ki advantages adr k advantages of adr are similar to the advantages of gdr it is same बट लेट डिस्कस इट फर्स्ट इज गेटिंग फॉरन कैपिटल विद द हेल्प ऑफ एडीआर कंपनी कैन गेट फॉरन कैपिटल फ्रॉम अमेरिका अमेरिकन से क्या मिल सकती है उसे फॉरन कैपिटल मिल सकती है तो उसके पास क्या हो जाता है सफिशेंट फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है क्योंकि अब अमेरिकन भी क्या हैं इन्वेस्टर्स हैं उनके शेयर्स में नेक्स्ट मोर लिक्विडिटी ए डी आर आर मोर लिक्विड लिक्विडिटी होती है उसमें जब चाहे उनको क्या किया जा सकता in है ADR, तो इसे क्या होगी जो उसकी रेपुटेशन होगी मार्केट में इट विल बी गुड एंड इफ रेपुटेशन इज गुड सेल्स विल इंक्रीज प्रॉफिट विल इंक्रीज लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट मीन्स फ्लोटिंग कॉस्ट मीन्स एक्सपेंसिस ऑफ इशूइंग द सिक्योरिटीज तो जो ए डी आर होती है उसको इशू करने के एक्सपेंसिस कम होते हैं इन कंपेरिजन टू शेयर्स एज कंपेयर टू शेयर्स शेयर के कम्पेरिजन में फ्लोटेशन कॉस्ट कम आती है इशू करने के एक्सपेंसिस कम आते हैं नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ एडीआर इज बैटर शेयर प्राइस जब कोई कंपनी क्या करती है शेयर इशू करती है डोमेस्टिक प्राइस मार्केट में तो उसको कंपेटिवली कम प्राइस मिलता है अपने शेयर्स का लेकिन जब एक कंपनी क्या करती है ए डी आर करती है टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल फ्रॉम अमेरिकन तो उसे एक बेटर प्राइस मिलता है अपने शेयर्स का क्यों क्योंकि ए डी आर करना अपने आप में ही क्या है एक इंडिकेटर है अच्छी गुडविल होने का अच्छी रेपुटेशन होने का अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन होने का तो इसका एडवांटेज कहाँ मिलता है कि वो एक अच्छा प्राइस क्या कर सकता है अपने ए का ले सकता है फॉरेन इन्वेस्टर से दैट इज बेटर शेयर प्राइस नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ ए डी आर इज इंक्रीज इन स्कैटनेस ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज इन स्कैटनेस ऑफ शेयर होल्डर्स का क्या मीनिंग है कि अब जो कंपनी के शेयर होल्डर्स वो सिर्फ डोमेस्टिक बाउंड्री तक ही सीमित नहीं है वो अब डोमेस्टिक बाउंड्री से भी बाहर है मीन्स आप जो कंट्री है इशूइंग कंट्री है उसकी जो इन्वेस्टर है सिर्फ उसी कंट्री के अंदर नहीं है अमेरिका में भी है कि ए के थ्रू हम क्या कर रहे हैं अमेरिकन को अट्रैक्ट कर, uh, uh, कर, uh, कर रहे हैं फ़ॉर कैपिटल के लिए फ़ॉरन इन्वेस्ट फॉरन अमेरिकन के थ्रू क्या कर रहे हैं हम फंड फाइनेंस रेज कर रहे हैं तो इससे क्या होता है उसकी क्या बनती है ग्लोबल बेसिस पर एक अच्छी रेपुटेशन बनती है रिकग्निशन बनती है और साथ में जो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो तो सोल्व हो ही जाती है क्योंकि वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर से भी क्या कर रहा है अपना फ़ंड्स रेज़ कर रहा है फाइनेंस रेज़ कर रहा है साइड बाय साइड एडीआर इशू करके वो क्या कर रहा है अमेरिकन से भी क्या कर रहा है फाइनेंस रेज कर रहा है तो उसकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है और उसे अपनी ग्रोथ के लिए एक्सपेंशन के लिए क्या मिल जाता है प्रॉपर फाइनेंस भी मिल जाता है तो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ए डी आर कि कंपनी को क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं एडीआर आर इश्यू करके गेटिंग फॉरेन कैपिटल मोर लिक्विडिटी इंक्रीज इन द गुड ऑफ द कंपनी लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट बेटर शेयर प्राइस इंक्रीज इन स्कैटरनेस ऑफ शेयर होल्डर्स सो हमने दो तरह की रिसिप्ट डिस्कस की हैं ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट और अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट क्या है और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट